तीन जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही और उससे परेशान जनता। आप चाहे यहां जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, अफसरों और उनकी अफसरशाही से हर व्यक्ति परेशान है। दूसरी बात, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति बता रहा है कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहां बिना पैसे के आप काम कर सकते हैं। और तीसरी बात, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी जो ये शब्द है, मैं 2014-15 में आया था तो बिहार में नहीं सुनता था, ये बिहार में दलाली का नया शब्द है। चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 20% से 40% पीसी काटा जा रहा है और वो जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। दो रोजगार जो यहाँ बहुत तेजी से फल फूल रहा है वो है शराब और बालू माफिया। जहां पर भी चले जाइए, घर घर में शराब बिक रही है, शराब माफिया हर जगह है। लोग बता रहे हैं, एक एक जो शराब का काम करने वाले लोग हैं वो 50-50, 100-100 मोटरसाइकिल खरीद कर नए लड़कों को दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पर लोग ये शराब का काम कर रहे हैं। यही हाल कमोवेश बालू का है। अभी दो दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, कोइलवर पर जो महिला पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आज से 10 दिन पहले उसी एरिया से मैं जब पैदल चल के आ रहा था NH-19 से, तो दो जगह पत्रकार वार्ता में मैंने बताया कि 5 बरस से वहां हजारों ट्रक हर दिन फंसे हुए हैं। हर ट्रक से प्रति ट्रक 12,000 से 15,000 रुपया लिया जा रहा है बालू माफिया से, और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई माइनिंग पदाधिकारी या कोई DM SP कमिश्नर 5 बरस तक इस चीज को होता रहने दे और किसी को पता नहीं चले। वो पूरा कोइलवर से लेकर UP तक पूरा रोड जाम है, लोग उस पर चलना ही छोड़ दिए हैं। 9 पंचायतों में जब मैं वहां गया तो लोग बता रहे हैं कि घर घर दमा और TB का रोग बढ़ गया है, इतना ज्यादा वहां धूल और बालू की परेशानी है। परमानेंट जाम लगा हुआ है, परमानेंट जो पॉल्यूशन बढ़ा है उससे घर 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 में दमा और TB का रोग बढ़ गया है। इसके बावजूद सरकार का आंख बंद है। जिस घटना का जिक्र हुआ है 2-3 दिन पहले, ये ट्रकों को रोका जा रहा है, ओवरलोडिंग के नाम पर इनसे पैसा लिया जा रहा है, उनको फाइन किया जा रहा है। मुझे बताया गया कोई 4 लाख रुपए फाइन होता है ट्रक पे, और ट्रैक्टर का ट्रेलर है तो 1.25 लाख रुपया। लेकिन इसका कोई असर नहीं है। आप ओवरलोडिंग का फाइन कर रहे हैं जबकि मुख्य समस्या बालू की तस्करी है। आप बालू की तस्करी जब तक नहीं रोकेंगे तो जो तस्कर है वो सोचता है 4 लाख लगे या 10 लाख लगे, जितनी तस्करी करूंगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। पैसा फाइन दिया, फिर उसी ट्रक से फिर वही काम शुरू कर दिया। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना लिया है कि जब नए ट्रक है तो 4 लाख फाइन दे रहा है, जब ट्रक पुराना हो गया तो फाइन नहीं देता, कहता भैया तुम ट्रक ही रख लो। तो ये बालू और शराब माफिया ही बिहार के नए धनाढ्य हैं। बिहार में पैसा, बिहार में जमीन खरीदने वाले लोग, उद्योग धंधा करने वाले लोग, लोगों में एक बड़ी संख्या बालू और शराब से जुड़े हुए गलत कारोबार करने वाले लोगों की है। मेरा अभी तक का अनुभव ये है। बाकी अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।